बकरी ईद पर्व के रहते शहर के हिंगनघाट पुलिस थाने में पुलिस विभाग द्वारा शांतता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक अशांति फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। सामाजिक शांति भंग करने वालों को पुलिस हरकतों से सावधान रहने की पुलिस की चेतावनी है। कल 12 तारीख को हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में उप विभागीय अधिकारी रोशन पंडित, हिंगनघाट पुलिस स्टेशन थानेदार प्रवीण मुंडे की उपस्थिति में शांतता कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बकरी ईद को लेकर शांतता समिति के सदस्यों को विशेष एवं आवश्यक निर्देश दिए गए तथा सदस्यों द्वारा सुझाए गए सुझाव पर विचार किया गया। बकरी ईद के दौरान शांतता व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक की उपाय योजना बनाई गई है और समाज में आपसी विवाद पैदा करने वाले व्यक्तियों पर, उसी प्रकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने वालों पर पुलिस विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी और सामाजिक विवाद पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर शांतता समिति के सदस्य उपस्थित थे। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 17 जूनला पूर्ण देशभर बकरीदचा कार्यक्रम होणार आहे, तसंच आपल्या हिंगनघाटमध्ये सुद्धा बकरीदच्या अनुषंगानं एक मुस्लिम बांधवाचा कार्यक्रम होणार आहे। तर त्या अनुषंगानं आम्ही मुस्लिम बांधव शांतता कमिटी, तसेच इतरही धर्माचे जे काही मित्रमंडळी आहेत किंवा प्रमुख आहेत त्यांची आपण बैठक घेतलेली आहे। पण बैठकीमध्ये बकरीदच्या अनुषंगानं आपण शांतता राखण्याच्या सूचना त्यांना केलेल्या आहेत। तसेच कुठल्याही प्रकारचा फायदा स्वस्थ प्रश्न निर्माण होणार नाही। तसेच सोशल मीडियाचा जो वापर आहे तो संयमित वापर व्हायला पाहिजे। जाणीवपूर्वक कुठल्याही धर्मावर जातींवर टीकात्मक लेख किंवा संदेश प्रसारित होणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घ्यावी। तसेच याबाबतसुद्धा वर्धा पोलीसतर्फे सोशल मीडियावर फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इंस्टाग्राम यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे। तसेच मोठ्या संख्येनं आपण त्या दिवशी बंदोबस्त तैनात करणार आहोत आणि या सणाच्या अनुषंगानं विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आपण आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई जे काही समाजकंटक आहे यांच्याविरुद्ध आपण करणार आहोत, जेणेकरून येणारा बकर उत्सवाचा कार्यक्रम, बकर ईदचा कार्यक्रम शांततेत पार पडेल। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।